जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया। हाँ हाँ हाँ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आज मीरा जी, आज का और कल का दोनों दिन का आज कर देंगे, क्योंकि कल नहीं है, कल हम लोग बाहर जा रहे हैं आचार्य जी को। तो आनंद रस रत्नाकर 3 फरवरी और 4 फरवरी, तो दोनों पृष्ठों के जो शीर्षक है वो एक ही है, जीवन में सद्गुणों की वृद्धि कैसे हो। तो वो चूंकि 10 यहाँ पॉइंट हैं, तो 10 पॉइंट में 5 पॉइंट 3 फरवरी यानी आज के पृष्ठ पर है और कल के पृष्ठ पर भी बाकी के जो 5 हैं पॉइंट, तो ये 10 पॉइंट जो हैं वो महर्षि ने एकादश स्कंद में भगवान कृष्ण जो है उनको उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं। तो उद्धव जी के उस उपदेश में 11वें स्कंद के 13वें अध्याय में ये जो 4th श्लोक है इसका परम पूज्य महर्षि साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ऐसा कहा करते थे, तो उसी की व्याख्या ये 2 पृष्ठों में है। ये प्रसंग पावन प्रसंग में महर्षि ने जब लक्ष्मीपति सिंघानिया के बारे में, वहाँ प्राय तो संतों के बारे में ही है उस पुस्तक में जिनको महर्षि मिले, पर कुछ सदगृहस्थों के बारे में भी है, तो लक्ष्मीपति सिंघानिया को बड़ा संक्षेप में वहाँ दिया है पावन प्रसंग में। तो उनकी कैसे क्या महर्षि का मतलब उनको मिला सत्संग वगैरह, तो वही महर्षि शुरू में कह रहे हैं कि एक बार भाई लक्ष्मीपति से कोई सत्संग का प्रसंग चल रहा था, तो वहाँ प्रसंग क्या था कि मनुष्य के जीवन में सद्गुणों की वृद्धि कैसे होती है। तो ये जो प्रसंग था तब महर्षि ने उनको ये श्लोक ही बताया जो कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को 11वें स्कंद में 13वें अध्याय में बताया। वो श्लोक क्या है, इस पर मैंने उनको श्रीमद् भागवत का ये श्लोक सुनाया, आगमो अपह प्रजा देश है, कालह कर्म च जन्म च, ध्यानम मंत्रोथ संस्कारो दशैते गुण हेतव। इस श्लोक का अर्थ उन्हें बहुत पसंद आया जो इस प्रकार है, मनुष्य के जीवन में सत्वगुण रजोगुण या तमोगुण का प्रकाश विकास अथवा वृद्धि समृद्धि के लिए 10 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। दशैते गुण हेतव है, गुण हेतव है मतलब ये 10 बातें जो है वो सत्वगुण में भी हेतु बनेंगी, रजोगुण में भी हेतु बनेंगी, तमोगुण में भी हेतु बनेंगी। ये ऐसी 10 बातें क्या है वो तो अभी हम करेंगे, पर उसमें श्लोक में यही दिया है, मैं बता देता हूँ। आगम यानी अध्ययन, अप यानी जल, देश प्रजा यानी लोग, देश यानी स्थान, काल यानी समय, और कर्म कर्मी, और जन्म जन्मी, तो कर्म हमारा करना, करना क्या कर्म, और जन्म मतलब किस वंश में आपका जन्म हुआ, ध्यानम मंत्रो अथ संस्कारो। ये तो 7 प्रथम पंक्ति में 7 बातें हो गई, अब 3 बातें हैं, ध्यान यानी चिंतन, हमारा चिंतन क्या चलता है, मंत्र यानी मंत्रणा, और संस्कार यानी हमारे संस्कार कैसे हैं विचार। तो ये जो है ये 10 चीज़ें यहाँ भगवान कृष्ण ने बताया उद्धव जी को कि मनुष्य के जीवन में सत्वगुण रजोगुण या तमोगुण का प्रकाश विकास अथवा वृद्धि समृद्धि के लिए 10 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सात्विक पे ध्यान रखना है, क्योंकि हमको सात्विक बनना है। तो ये 10 चीज़ें अगर सात्विक होंगी तो जीवन में सद्गुणों का विकास होगा, यही 10 चीज़ें अगर रजोगुणी होंगी तो रजोगुण का विकास होगा। तो रजोगुण में दुख है, सत्व का फल है सुख, रजोगुण का फल है दुख, और तमोगुण का फल है मोह। तो दुख और मोह, दुखी और मोह मोहित तो हम होना नहीं चाहते, तो हम सुखी होना चाहते हैं। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं यदि वे सात्विक होंगी तो जीवन में सद्गुणों का विकास होगा। तो वो जो प्रसंग
चर्चा चली लक्ष्मीपति जी के साथ, तो महर्षि ने कहा कि मनुष्य के जीवन में सद्गुणों की वृद्धि कैसे होती है, तो इस श्लोक में सब बातें आ गई। इन 10 बातों पे हम अब विचार करेंगे, यानी आज 3 फरवरी का और 4 फरवरी के पृष्ठ में महर्षि बताएंगे हम लोगों को कि एक एक चीज को लेके, जैसे सबसे पहले अध्ययन, तो अध्ययन में क्या है, आगम, आगम में प्रश्न उठा रहे हैं महर्षि की, आप अध्ययन क्या करते हैं। यानी हम लोगों को अशोक ये देखना है कि हमारा अध्ययन जो समय पढ़ने में बीतता है, तो सुबह पहले अखबार, है ना, लोगों के लिए कह रहा हूँ, आप लोगों के लिए नहीं, अच्छा, अखबार के बाद बोले कोई, और फिर बाद में समय मिला तो कोई नॉवेल, कोई, है ना, इस प्रकार का उपन्यास या जासूसी कोई चीज़। तो ये जो है वो तो रजोगुणी और तमोगुणी है। महाराष्ट्र ने शुरू में कह दिया कि यदि हमारा ये 10 की 10, इसमें पहला पॉइंट ले रहे हैं अध्ययन, यानी शास्त्र हमारे सात्विक होंगे तो जीवन में सद्गुणों का विकास होगा। तो प्रश्न उठाए कि आप अध्ययन क्या करते हैं, है ना, तो हृदय पवित्र करने वाले उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण आदि ग्रंथ आप अध्ययन करते हैं, प्रश्न, अथवा भोग विलास, धनोपार्जन संबंधी पुस्तकें, अथवा भूत प्रेत, चोर, डाकू, मतलब वही जासूसी उपन्यास वगैरह, डाकू आदि के काल्पनिक ग्रंथ, है ना, जैसे आजकल टीवी में भी सीरियल वगैरह आते हैं तो बच्चों को अच्छा लगता है, है ना, पर अब प्रश्न ये है कि अगर हम सात्विक बनना चाहते हैं तो अध्ययन हृदय को पवित्र करने वाले ग्रंथों का हो रहा है या अध्ययन इन चीज़ों का हो रहा है जो कि राजसिक और तामसिक हैं, बेईमानी, चालाकी, तिलस्माती या वासना बढ़ाने वाली फिल्मी कहानियाँ, है ना, तो ये प्रश्न महर्षि ने कर दिया शुरू में ही। तो हम अपने जीवन को देख लें और जीवन में ये भी निर्णय कर लें कि भाई ये अगर दूसरी चीज़ें राजसिक और तामसिक वाली अध्ययन में किसी कारण से हों तो उनको तो बंद ही कम करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, और इनको बढ़ाना पड़ेगा, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण। बोले नहीं नहीं अखबार में तो बहुत ही आनंद आता है स्वामी जी। तो भाई अखबार में आनंद तो आता है पर उससे फ़ायदा क्या है, पढ़ के ये तो पता लगेगा कि नरेंद्र मोदी ने आम आदमी और आम पार्टी और उसकी कटिंग करी, कांग्रेस की, और कांग्रेस वालों ने नरेंद्र मोदी की कटिंग करी, यही तो होगा, और क्या आएगा आज के अखबारों में, यही तो आएगा। मतलब अभी विधानसभा का चुनाव होना है ना दिल्ली में, तो इसलिए ये सब बातें आएंगी, या सुनोगे तो रेडियो में, तो वो भी एक प्रकार का अध्ययन ही है सुनना भी। तो आपके जीवन को अपनी अपनी दिशा में आकृष्ट करने वाली यही किताबें हैं। तो ये किताबें तो हमारे सामने सब हैं, पर महर्षि कह रहे हैं कि आपके जीवन को, तो हमारा जीवन, हम बीच में बैठे हैं, इधर सब गीता उपनिषद और ये सब रखे हैं पवित्र करने वाली, इधर और बहुत सारी किताबें रखी हैं, तो ये भी हमको आकृष्ट कर रही है, ये भी, इधर अखबार भी आकृष्ट कर रहा है, इधर रामायण भी आकृष्ट कर रही है ना। तो महर्षि कह रहे हैं कि आकृष्ट वो करेंगे अपनी अपनी दिशा में, वो उनका काम है आकृष्ट करना, पर हम आकर्षित होते हैं कि नहीं। हम अखबार समझो कि आता है घर में जी। तो घर के समझो 5-7 सदस्य हैं, तो अब वो जो है जिनको अखबार से प्रेम है तो अपना लेके बैठ जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम अगर भगवान के इसमें साधना में, भजन में, है ना, हमारा उद्देश्य है कि भगवान का दर्शन हो, तो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम भी पढ़ें। अखबार आ गया है तो भाई इतना पैसा खर्च हो रहा है, 5 रुपया, है ना, अखबार का दे रहे हैं, तो फिर इसका उपयोग तो होना ही चाहिए, तो इसलिए हम भी पढ़ने लगे, ये बात नहीं है महाराज जी। कभी कभी अखबार में देखना पड़ता है ना कहाँ कथा हो रही है, किसी महात्मा, वो तो हृदय पवित्र करने वाली बात आ गई ना। और एक जगह तो वो भी देखते हैं, आपसे सच्ची बात बताएं, एक पृष्ठ पर तो फिर होता है कि ये अचानक चले गए आगरा का, कोई जवान लड़की होती है, कोई जवान, जो भी जन्मा है वो जरूर मरेगा, भगवान ने कह दिया गीता में, ऐसा होता है उसको वहाँ वो पृष्ठ तो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अपने आप फोन आएगा, कोई अपना कोई मरेंगे तो पेपर में बाद में आएगा, पहले आपको फोन आएगा, श्याम जी बताएंगे, है ना, इसलिए उस पेपर, उसको तो, उस पृष्ठ को तो छूना ही नहीं चाहिए, है ना, नहीं। वो तो भूत प्रेत हो गए ना। महर्षि ने कहा कि देखो भूत प्रेत तो उनका जो है
तो भूत प्रेत वाला पृष्ठ हो गया, तो वो तो भूत प्रेत वाला तो छूना ही नहीं चाहिए। और यहाँ पर झूला हो रहा है और छू भी लिया गलती से तो गंगा जल से हाथ धो लेना। अध्ययन, तो अध्ययन हमारा कैसा चलता है इसके ऊपर महाराष्ट्र ने सबसे पहला पॉइंट है। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है अपह। अपह में क्या है? अपह, अपह नहीं अपह, अपह मतलब जल। तो आप कैसे जल का सेवन करते हैं, ये प्रश्न महर्षि ने उठाया। तो भाई महर्षि कह रहे हैं कि स्नान में, पान में और भोजन में। अब जल भी तो कोई एक एक बात हो तो ठीक है, पर वो तो स्नान में भी जल प्रयोग कर रहे हैं, पीने में भी और भोजन में भी। तो इन मतलब अपने पूरे जीवन के अपने प्रयोग में कौन से जल का, कैसे जल का सेवन करते हैं? तो बोले भाई भगवान का चरणामृत, पवित्र नदी एवं स्रोतों का जल, फलों का रस है ना, शाखों के द्वारा निर्मित पेय, एक। अथवा दूसरा क्या प्रश्न है कि सुरा आदि, तो सुरा में ये जब जितने बेकार के जो हैं कोल्ड ड्रिंक हैं और सुरा है और ये सब उसी में आ जाएंगे है ना। तो बोले महाराज ये तो जो है फ्रूट जूस आता है अपना बाजार से बहुत बढ़िया आता है। बोले नहीं, वो सब है सड़ा हुआ है ना, सड़े हुए फलों का बनाते हैं, कोई फ्रेश लेके थोड़े ही बनाएंगे, तो ये सब मतलब वो सुरा में ही आ जाएंगे। तो आप जल के प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकते। तो महर्षि यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं कि जो चरणामृत भगवान का लेगा, पवित्र नदी का जल अथवा मतलब कुछ भी ना हो सके, तो सामने महर्षि क्या करते थे कि उड़िया बाबा का चित्र रखते थे। जहाँ भी हम लोग, यहाँ तो रहता ही था वृंदावन बम्बई में, तो बाहर भी हम यात्रा में रहते थे तो बाबा का छोटा सा चित्र था, वो बगल में रख देते थे महर्षि के, जो पलंग के बगल में टेबल रहती है उस पर रख देते थे। तो महर्षि क्या करते थे कि जब भी जल पीते थे तो बाबा के सामने रख देते थे और फिर बाद में 5 मिनट ऐसे पड़ा रहता था और फिर बाद में पी लेते थे। तो यानी ये हो गया भगवान का चरणामृत, यानी बाबा को भूख लग गया ना, तो स्नान में, पान में, भोजन में ये हमारे पंडित गया प्रसाद जी वो क्या करते थे, बाबा का जो उनके पास था चरणामृत तो उसको ले लेते थे, तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। बोले नहीं, उसी में गंगा जल मिलाते रहते, तो ख़त्म कैसे होगा, ख़त्म नहीं होगा क्योंकि मिलाते रहो उसमें गंगा जल तो जब तक जीवन रहा तब तक वो उसमें मिलाते रहे। तो ये कुछ लोग हैं सुरेंद्र भाई वहाँ बड़ौदा के, यहाँ अपने एक परिवार है वृंदावन में। बोले स्वामी जी आपका चरणामृत, हमने कहा हमारा चरणामृत नहीं, हम आपको दे देंगे महाराष्ट्र का चरणामृत हमारे पास है। तो हमने कहा उसी में गंगा जल मिला के और अपना, तो हमने तो कभी नहीं लिया महाराष्ट्र का चरणामृत, पर बाद में हम दक्षिण में थे तो महाराष्ट्र के शिष्य हैं वहाँ बम्बई में, चार बहनें हैं, तीन ने शादी नहीं करी, सिंधी परिवार है मेहतानी, तो एक ने शादी करी। वो तीनों बहनों का पत्र उत्तर आता रहता था हमारे को, और वैसे भी पुस्तकें वगैरह महाराष्ट्र की वहाँ बम्बई से नरेश को कह के जो जो हमको ज़रूरत होती थी सब वहाँ बैठे बैठे दक्षिण में सब आ जाता था। तो उन्होंने ही लिखा कि हम आपको महर्षि का चरणामृत और महर्षि की चरण रज। तो हमने फिर वो जब भेजी तो रख ली उसका, उसको वो तो अब ख़त्म होनी नहीं है, उसमें गंगा जल मिलाते रहेंगे। तो हमको, हमसे जब कोई मांगने लगा कि आपके चरणों को धो के चरणामृत लेंगे, हमने कहा हमारे चरणों में क्या रखा है, महर्षि का हम देंगे, तो उसको आप लोग लेते रहो और गंगा जल उसमें मिलाते रहो है ना। तो ये पवित्र करने वाले कौन हैं? बोले कि भगवान का चरणामृत, जैसे अभी महर्षि का मैंने बताया, पंडित गया प्रसाद जी का बताया, तो अथवा पवित्र नदी एवं स्रोतों का जल है ना। नहीं, मैं लेता हूँ का मतलब जब ये उत्सव का कोई दिन होता है हाँ, उसको प्रतिदिन लेने की कोई आवश्यक नहीं है। तो आप किसी को देते नहीं हो चरणामृत? नहीं, अपने चरणामृत देने की जरूरत नहीं है ना, जब हमारे गुरु महाराज का चरणामृत हमारे पास है, वो तपस्या चाहिए ना, वो वाला जो ज्ञान, वो वाली निष्ठा, वो सोनानंद जी तो देते हैं ना, नहीं, औरों की तुलना नहीं करनी है,
अपने को अपना देखना है। हाँ, गुरु का वही, उनके भक्तों के लिए वो गुरु है। हम तो किसी के गुरु नहीं है ना, नहीं हम तो किसी को मंत्र नहीं देते ना, गुरु दीक्षा नहीं देते, दक्षिणा मतलब दीक्षा देते हैं ना। तो उस शिष्यों का तो भाव यही होगा कि हम हमारे गुरु जी का लेंगे। हाँ, तो हमको तो महाराष्ट्र ने निषेध कर दिया ना कि तुमको कोई मतलब चेला बनाने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र सबके गुरु है, यानी हमारे संपर्क में जो भी आते हैं, इसलिए तो हमको कहाँ मानते हैं श्याम जी। हम कहते हैं भाई महाराष्ट्र गुरु है तुम्हारे। अब देखो पहुँच गए महाराष्ट्र, स्वयं पहुँच गए, इनको सिद्ध भी कर दिया। गोविंदानंद को कभी गलती से भी गुरु मत मानना। क्योंकि महाराज जी ने हमको कह दिया कि तुमको गुरु नहीं बनना है। तो इसलिए जब लोग कहते हैं भाई आपका चरणा भरे, तो हम कहते हैं महाराज जी काम दे देंगे। आप कैसे लोगों में रहना मिलना जुलना पसंद करते हैं, तीसरा पॉइंट। क्योंकि तीसरा पॉइंट वहाँ भगवान ने उद्धव जी को बताया, आगमो अपह प्रजा। तो प्रजा मतलब अब लोगों में रहना सहना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि जैसे लोगों में रहेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, वैसे हमारा ख्याल बन जाएगा। व्यापारियों के बीच रहते रहते तो श्याम जी का जो सोचने का पूरा ढंग ही व्यापारियों वाला हो गया। अब बहुत कोशिश करते हैं हम कि भाई वो ढंग निकले, धीरे धीरे निकल भी रहा है। तो आप जैसे लोगों में रहोगे, बड़ा मानकर सेवा करेंगे और जैसा होना चाहेंगे वैसे हो जाएंगे, है ना। तो ये महाराष्ट्र कह रहे हैं कि प्रजा जो है, प्रजा का मतलब लोग जो है, तो लोगों में ये पहले निर्णय करना पड़ेगा कि हमको क्या बनना है। तो हम जैसा होना चाहेंगे वैसे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हमको था कि भाई अध्यात्म में भगवान का दर्शन हो, भगवान तत्व का साक्षात्कार हो, तो हमने महर्षि की कृपा से महर्षि की सेवा मिल गई। तो अब उनके उनमें उनके साथ रहेंगे, उनकी सेवा में रहेंगे, उनको बड़ा मानकर सेवा करेंगे, तो वैसे बन जाएंगे। और हमको लगे कि भाई हमको तो डॉक्टर बनना है, बड़ा डॉक्टर, तो बड़े डॉक्टर की फिर सेवा करनी पड़ेगी, है ना, यानी उनके साथ रह के वो सीखना पड़ेगा। तो ये प्रजा का जो है बहुत ही तीसरा पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए बार बार आया है कि जहाँ समझ में आ जाए कि भाई ये गलत आदमी है, तो उसका संग मत करो, क्योंकि वो नुकसान करेगा, है ना। देवी संपत्ति और आश्रय संपत्ति क्यों गिनाई भगवान ने 16वें अध्याय में गीता में, कि भाई देवी संपत्ति यानी जो देवता शरीर के लोग हैं उनका संग करोगे और वैसा बनना चाहोगे तो उनका संग करोगे तो हो जाओगेगा। तो उससे फिर क्या करना, सिर्फ उनके साथ रहने से ही हो जाएगा, बोले नहीं। आश्रय संपत्ति भी वहाँ गिना दी कि ऐसे लोग अगर हों रहेंगे आसपास में, उनसे बचना, नहीं तो आश्रय संपत्ति गिनाने की जरूरत ही नहीं थी। खाली देवी संपत्ति गिना देते भगवान, पर आश्रय संपत्ति इसलिए गिना दी कि भाई उसको मालूम पड़ जाए कि भाई ये स्वार्थी है ना, ये कपटी आदमी है, ये थोड़ा सा मतलब छल करता है ना, सब प्रकार के लोग होते हैं। तो फिर उनके संग में रहने से वही चीज़ें सीख जाएंगे, कपट करना, छल करना, बदमाशी करना, है ना, धोखा देना। तो ये उनसे बचने के लिए भगवान ने वहाँ गिना दिया, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम, अहंकारी आदमी है। तो अहंकारी आदमी के साथ हम रहेंगे, हमको भी लगेगा, है ना, तो वो अहंकार यहाँ तो देने चाहिए। वो आए थे ना इनके भांजे, इतना बढ़िया बता रहे थे कितना दैन्य होता है महापुरुषों में, तो वो दैन्य चाहिए हमको। तो इसलिए आश्रय संपत्ति बताई अहंकार को। तो अहंकार जो है ये विद्वानों को भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसको उसका घमंड होता है विद्वान को, मेरी की विद्वत्ता है। खैर जी, एक बार महाराज जी से किसी ने कहा कि ब्राह्मणों को अहंकार बहुत होता है, कि मैं आपके आगे भी आकर के ऐसे, तो महाराज जी की निरंकारता देखो। महाराज श्री ने कहा कृपा करके कि भाई वो ब्राह्मण लोग ये भी नहीं धारण करेंगे तो जैसा आएगा तैसा खाने लगेंगे, जैसा आएगा तैसा पहनने लगेंगे, कि भाई हम भी वो भी संन्यासी। वहाँ वहाँ दो प्रकार के अहंकार है, महाराष्ट्र ने समझाया है। नहीं, वो ठीक कह रही मेरा अहंकार जिसका भगवान ने मतलब आश्रय संपत्ति गिनाई है, वो अहंकार ये है कि वहाँ कोई विद्वान है, कोई संत है, उसके आगे भी हम नहीं झुकेंगे, है ना, ये अहंकार गलत है, है ना। तो इसीलिए उसकी निंदा करिए। और जो ब्राह्मण का अहंकार है कि हम ब्राह्मण होके झूठ बोले,
हम ब्राह्मणों की झूठी गवाही दें, हम ब्राह्मणों के क्या ऐसा करेंगे, तो वो अहंकार ठीक है। तुलसीदास जी ने लिखा ना, अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, है ना। तो ऐसा अभिमान हमारे से न जावे। कौन सा अभिमान? कि हमारे जो है, मैं रघुपति का सेवक हूँ, मैं राम जी का सेवक हूँ और ये हमारे सेव्य हैं। तो उस अभिमान के लिए तो संतों ने कहा कि वो तो ठीक है, पर दैन्य है ना वो तो। पर ये जो अभिमान है कि हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, हम तो ब्रह्म हैं, तो ये ब्रह्म होके जो अभिमान आ गया, तो ब्रह्म कोई शरीर थोड़ी है, है ना, ब्रह्म तो तत्व है। तो इसलिए ये प्रजा जो है, ये तीसरा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अब चौथे पॉइंट पे चल रहे हैं, ये है देश। देश पे, देश का मतलब स्थान। तो आपके मन को कैसे स्थान प्रिय है, हमारे मन को कैसे स्थान प्रिय है। अब स्थानों में देखिए, महाराष्ट्र किनारे हैं, नदी तट, पर्वत, हरी भरी वनराजी, तीर्थ, मंदिर, संतों का निवास, अथवा जहाँ सत्संग हो रहा हो वैसी भूमि। तो ये अगर स्थान प्रिय हैं तब तो सात्विक हो जाओगे। और वो जो है दूसरे दूसरे, मतलब जो क्या कहते हैं, जुआ खेलने का स्थान, और अपना जो है वेश्यागमन आदि कई स्थान, अथवा शराब आदि के पीने के स्थान, तो ये सब जो स्थान हैं वे गलत हैं। तो आप स्वयं अपनी रुचि को परखिए, निरखिए। बोले महाराज स्थान में क्या रखा है? बोले नहीं, आप वैसे ही होने जा रहे हैं। मतलब अगर आप वो गलत स्थानों में जा रहे हैं तो आप भी वैसे हो जाएंगे, और अगर ठीक स्थान में जा रहे हैं सात्विक, तो आप सात्विक हो जाएंगे। आज के पृष्ठ में, 3 फरवरी के पृष्ठ में जो आखिरी पॉइंट है वो है समय, काल। काल के बारे में परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं कि आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। तो इसमें हम लोग 5 जने यहाँ बैठे हैं, उधर भी सत्संग चल रहा है, रामचैतन्य जी सुना रहे हैं, है ना, गीता की बातें। तो ये लोग क्या है? बोले ये लोग सत्संग में बैठे हैं, तो उनका समय अच्छा बीत रहा है। और दूसरे अपने कमरे में जाके सो गए, ठंड है तो चलो भाई हीटर चला के निद्रा आलस्य प्रमाद के कारण वो अपना निकम्मे, तो निकम्मे। तुम्हारा से कह रहे ऐसा तो नहीं कि तुम निकम्मे रह रहे हो। बोले महाराज क्या है, ठंड में ही क्या? बोले नहीं, आप पुरुष से वंचित हो जाएंगे। पुरुष से वंचित हो जाएंगे मतलब वहाँ जो सत्संग चल रहा है उससे वंचित हो गए, तो आपने एक बहुत बढ़िया मौका मिल रहा था, वो खो दिया हाथ से। आप अर्थलिप्सा एवं भोग वासना से आक्रांत होकर कर्म करते हैं, यानी समय आपका जो बीत रहा है वो हमेशा बस वही यही कि भाई इससे क्या कमाई होगी या क्या भोग मिलेगा हमको। इसी से आपके जितने कर्म या जितना भी आपका सोचना है, वो जितना भी आपका समय है, वो क्या इसी में बीतता है? निश्चय ही आपके जीवन में विक्षेप की वृद्धि होगी। बोले ठीक है, लोग करते हैं ऐसा अर्थ और काम के लिए, देखते हैं भाई इधर भोग विलास है, इधर अपने जो जो हमारी रुचि की चीज़ें हैं वहाँ ज़्यादा है, तो चलो शिमला चलते हैं, चलो यहाँ घूम आते हैं, अमेरिका हुआ है, पैसे वाले लोग कहते हैं अमेरिका हुआ है। तो बोले कि वो तुम्हारा समय तो उसमें जो बीतेगा उसमें जीवन में विक्षेप की वृद्धि होगी। तो जीवन में विक्षेप की वृद्धि होगी का मतलब क्या है कि वो संस्कार पड़ेंगे, और वो जब संस्कार पड़ेंगे भोग के, तो व्यक्ति चाहेगा कि और हमको बढ़िया भोग कहाँ मिले, है ना, ये विक्षेप बढ़ेगा इससे। हाँ, तो आप अपने जीवन के अमूल्य क्षणों का कौन सा अंश सत्य के चिंतन में, एकाग्रता में, भगवत भक्ति में, लोक हित में लगाते हैं? तो जीवन का जो हमारा अमूल्य जीवन है उनके क्षणों को देखना है। तो समझो 24 घंटे हैं हमारे पास, तो 24 घंटे में समझो कि 12 घंटे या 10 घंटे जिसमें हम थोड़ा सा करते हैं अपना भजन साधन, तो उस वो जो 8-10 घंटे हमारे हैं उसमें भी कितना अंश हम सत्य के चिंतन में, एकाग्रता में, भगवत भक्ति में, हम लोक हित में लगाते हैं, ये हमको थोड़ा सा इसका हिसाब किताब कर लेना चाहिए। महाराज जी इसका फायदा क्या है? बोले आपका एक क्षण आपके जीवन को स्वर्ग एवं नरक बनाने में समर्थ है। यानी समय का इतना महत्व है कि एक क्षण में यहाँ थोड़ा ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक क्षण महर्षि कह रहे हैं कि स्वर्ग और नरक कैसे बना, जो कह रहे हैं यहाँ, तो ये प्रश्न उठेगा ना कि एक क्षण हमारे जीवन को स्वर्ग या नरक कैसे बना सकता है? तो
तो ध्यान देना, हम सोए हैं और हमको स्वप्न आ रहा है, तो स्वप्न आ रहा है तो उसमें कोई दुस्वप्न आ गया, दुस्वप्न में हमको कोई पीट रहा है, तो पीट रहा है तो अभी हमको पता नहीं है कि स्वप्न है, हम तो वहाँ दुखी हो रहे हैं, हमारी पिटाई हो रही है, तो पिटाई हो रही है तो हम वहाँ चिल्ला भी रहे हैं, उसको कह भी रहे हैं भाई हमारा कोई दोष नहीं है, और पर वो पीट रहा है हमको, उतने में हमारी आँख खुल गई है ना, और इतने में आँख एक ही क्षण होगा ना, एक ही क्षण में हमको स्वर्ग में आ गए कि नहीं, यानी नरक में थे, पिटाई हो रही थी बुरी तरह से एक क्षण में, तो इसी प्रकार हम यहाँ दुखी हो रहे हैं जागृत में। ये तो मैंने स्वप्न का तो दृष्टांत दिया, तो जागृत में संत लोग सुनाते हैं कि जागृत में बंदा दुखी पड़ा है ना, बहुत उसको समझाओ तब भी उसका दुख नहीं मिट रहा है, तो अब क्या होगा कि वो कोई ऐसे संत आ गए तो वो संत की एक अक्षर एक वाक्य उनका और एकदम उसका, तो ये एक क्षण से स्वर्ग। तो जीवन का मतलब समय का कितना बड़ा मूल्य है, आपका एक क्षण आपके जीवन को स्वर्ग एवं नरक बनाने में समर्थ है ना। तो अब ये जो बाकी के 5 पॉइंट हैं, क्योंकि 3 फरवरी को महाराष्ट्र ने 5 कर दिए, अब ये 4 फरवरी का भी हम आज ही कर रहे हैं क्योंकि कल हमको बाहर जाना है।